नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस हफ्ते के जो मेरे पिक्स हैं उनको लेके आपके सामने हाजिर हूँ, और साथ ही आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि पिछले हफ्ते की जो पिक्स मैंने बताई थी उनके बारे में वो क्या रही, कैसे रही, उनका क्या ग्रोथ रेट रहा। सो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। उसके लिए मैं आपके साथ अपनी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आप समझ सकें कि कैसे क्या है और कितना टाइम कैसा। तो देखो साहब, पिछले जो मेरी रिकमेंडेशंस थी, जो आपको सजेशन बताए थे साहब, तो जो मेरे दोस्त हैं या स्टूडेंट्स आप लोग हैं, आप लोगों के लिए जो मैंने बताई थी उसमें रेणुका शुगर, देखिए साहब, 16 रुपए के आसपास बताई थी, 16 रुपए 35 पैसे की, और 43 रुपए पहुंच गया, यानी आपका 2.5 गुना हो चुका है, और 2.5x एंड इट इज गोइंग टू बी दी 3x। 50 रुपये इस हफ्ते क्रॉस हो जाना चाहिए, यानी उत्तम शुगर 130 बोला था, 210 का मेरा टारगेट था, 286 हो गया। नया टारगेट आपको ऑलरेडी बता दिया, 350 रुपये। उगर शुगर का टारगेट मैंने 42 रुपीज दिया हुआ है, 35 हो गया है, और ये पहुंच जाएगा अपनी जगह। जय कॉर्प 132 था, 156 हो गया था। विवो बायोटेक 112 रुपये हो चुका है, सो आप देखिए दैट टारगेट हैज ऑल्सो डन। मैग्मा फिनकॉर्प 150 तक का मेरा टारगेट हो गया, अगला टारगेट था 250 रुपये का है। सो लाइकवाइज ये कुछ थी, बट डिटेल में सारी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो साहब, ऐसा है, ये जो शुगर इंडस्ट्री है, एथेनॉल का जो गेम होने जा रहा है, उसके बाद इस शुगर इंडस्ट्री, आप कोई भी दो चार स्टॉक इसके पकड़ लीजिए मिनिमम, और उसको आप अगले 2-3 साल के लिए भूल जाइए। आपको मिनिमम 2 से 4x पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर देखोगे तो अभी ही ये पैसे, जब मैंने जिसको रिकमेंड किया था, जैसे कि आपको बताइए आंध्रा शुगर 385 पे, सब 592 है, 53.77%। उत्तम शुगर 273 का करंट प्राइस है, 109% डबल हो चुका आपका पैसा है। उगर शुगर 23 पे रिकमेंड किया था, 35.9 है, 50% का आपको प्रॉफिट दे चुका है। धामपुर शुगर ऑलरेडी 387 पहुंच गया, 400 का मेरा टारगेट है, जो इस महीने पूरा हो जाएगा इस हफ्ते में, वीक में, और 70% का रिटर्न आपको ये दे चुका है। ऐसे अगर आप सुबेक्स को देखें तो ये लॉन्ग टर्म कंपनी है, मैं ऑल्दो 7.5% नीचे है लेकिन उसके फेवर में हूँ। BLS फाइनेंस साहब 100% का अपना जो टारगेट था पूरा कर चुका, 200 है, और इस हफ्ते ये पूरा हो जाएगा इसका। आइए साहब अदानी गैस की बात करें, ये साहब जो है ये शेयर सबसे ज़्यादा पिटा है, पिछले मेरी जितनी भी रिकमेंडेशन हैं आप देखिएगा, और ये पिटा है, और 1300 रुपये मैंने रिकमेंड किया था, और 200 का मेरा 2000 रुपये का टारगेट था, 920 इसका अभी करेंट मार्केट प्राइस है, और 1679 हाई गया था, यानी इस लेवल से लगभग आप देखिए ये 700 रुपये से 800 रुपये टूट चुका है। हिसार मेटल देखिए साहब 12% रिटर्न दे रहा है। हिंदुस्तान टिन वर्क पिछले हफ्ते घाटे में था, इस हफ्ते देखो ऊपर आ गया साहब, 50% रिटर्न दे रहा आपको है। फ्लैक्स फूड 41% रिटर्न दे रहा है। अनु फार्मा जो लॉस में था प्रॉफिट में आ गया। फिलाटेक्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पे आ गया है। सतलज टेक्सटाइल जो है वो 18.75% रिटर्न आपको दे चुका है। अब आ जाइए साहब, 23 मई को जो मैंने रिकमेंड किया, तो उनकी क्या हालात है। JSW स्टील 3.5% नीचे है, लेकिन इस हफ्ते ये ऊपर जाएंगे, और मेरे हिसाब से 720-725 का टारगेट इस हफ्ते लग सकता है। PNB लॉन्ग टर्म के लिए मैंने कहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हालात सुधरने वाला है, आप PNB के साथ साथ इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और शामिल कर लो साहब, आप बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों होल्ड करके रखिए आराम से, आप 2x का प्रॉफिट देके जाएंगे। SBI 480 का टारगेट दिया, 424 है, 5.5% ऊपर है। ITL इंडस्ट्रीज मैंने पिछली बार भी कहा था कि यू कैन एग्जिट इट आउट फ्रॉम दिस, सो एग्जिट कर गई है इससे। VTM इंडस्ट्रीज -3% का है। विरंची कॉस्ट टू कॉस्ट है, अभी पटेल एयर टाइम में आपको अब आ गया है, ये मूवमेंट करेगा यहाँ से, इट शुड बी प्रॉफिटेबल। कैनरा बैंक 190 का टारगेट है, 153 चल रहा है, सो इट इज गोइंग टू मूव आई थिंक दिस वीक। श्रेयांश इंडस्ट्री 12% रिटर्न आपको दे रहा, पॉन्डी एक्साइड नाउ कॉस्ट टू कॉस्ट है, इट विल मूव नाउ। इंडो एमिनोज 5.5-4.5% घाटे से चल रहा है। जय कॉर्प आपको 40% का प्रॉफिट दे चुका है। मैनन बेरिंग 21% का प्रॉफिट है। शिवालिक बीमा टेल 18%, 17.5%, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट 24% का आपको प्रॉफिट दे चुका है भाई साहब। रेणुका शुगर
अभी जो हिट थ्योरी है उसमें सबसे अच्छा हिट रेणुका शुगर है और दाना शुगर, दोनों अच्छे चल रहे हैं। 165 मुंजाल आटो 67 के रेट पे है, 5.5% रिटर्न दे रहा है आपको। प्रोजोन इंट्यू घाटे में है बट इट विल रिकवर। एरिस एक ही हफ्ते में साफ घाटे से रिकवर कर 5% 5.5% के प्रॉफिट में। एल आई सी हाउसिंग 11.5% नीचे है साफ, ठीक है। मेरा टारगेट 677 है, आई होप दिस मंथ दिस शुड बी कम्प्लीटेड। लंबोधारा 40% के प्रॉफिट पे आपको है। टाटा मोटर्स 5% के प्रॉफिट पे, सिम्प्लेक्स 18.5% है। 13 जून की अगर बात करूँ, मैंने बताया था उसमें रिलायंस कैमोटेक आपको 1% का, वीवो बायोटेक लॉस में है। अब अगर आप किसी ने लॉस बुक करने कर सकते हो आप, बट इट विल रिकवर मेरे हिसाब से दोबारा शुरू होगा। रिलायंस पावर 18.5% का है, लेकिन ये जंक कैटेगरी का शेयर है। आर बी एन एल 2.5% के आसपास प्रॉफिट है इसमें, अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, रखिए आप। रिलायंस इंफ्रा 1% घाटे में है और काम नो प्रॉफिट नो लॉस। रिलायंस होम एग्जिट कर जाइए साहब, सेल कर लीजिए इसके शेयर आपको पड़े हैं। ऑलरेडी 35% का प्रॉफिट है, इतना बहुत है, एग्जिट कर जाइए बिकॉज जंक इंडस्ट्री है। ऑलरेडी इसका एक आर मुंबई बेस एक NBFC खरीद लिया है, सो प्लीज एग्जिट आउट। सेल 125 का करंट मार्केट प्राइस है, तो जस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट मान लीजिए। HFCL 40% का प्रॉफिट दे चुकी है आपको, यानी 41% के। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कॉस्ट टू कॉस्ट है ऑलमोस्ट। डाटामेटिक्स 17% के प्रॉफिट पे है। आंध्रा पेट्रो 29% के प्रॉफिट दे चुका है आपको। माइंडटेक कॉस्ट टू कॉस्ट है। सेबको 24% का प्रॉफिट दे चुका, 29 रुपीज बोला था, अभी 35.75 है। PGF वाइल्स 2.5% के लॉस पे है, बट आई विल थिंक इट इज रिकवर, सो प्लीज डू नॉट एग्जिट। कॉर्ड केबल्स 22% का प्रॉफिट है, पिछले हफ्ते ही बताया 19 जून को, साहब एक हफ्ता हुआ है। अब जो 26 जून को रिकमेंड किया था, उनका हालात देखिए साहब। अरिहंत कैपिटल 127 रुपये का टारगेट दिया था, करेंट मार्केट पे 125 रुपये, यानी इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस ऑलमोस्ट। आरती ड्रग्स 729 पे, 755 में बोला था, 734 का हाई लगा के नीचे आया है, लेकिन इसका टारगेट जो है अगर आप एक साल तक रखोगे तो 960 से ऊपर जाएगा, बल्कि मैं 3 महीने का ही टारगेट है। अखिल इंडस्ट्रीज 162 का टारगेट है, 126 पहुंचा है, 8.5% घाटे से है। टारमेट 5% घाटे पे है। राणा शुगर 33% है, तो ये प्रॉफिट जो है इसका 24.53%। बैंक ऑफ बड़ौदा मैं पहले ही बता चुका हूँ, अच्छी कंपनी है, होल्ड इट। दीपक स्मिनर्स पिछले हफ्ते रिकमेंड किया तो ऑलरेडी 7% 6.5% का प्रॉफिट आपको दे चुका है। टोटल जो रिटर्न इसने अपने हाई के हिसाब से अगर देखें तो 20% रिटर्न आपको दे चुका है। अब बात आती है इस हफ्ते में आपको क्या बताए। एक तो ल्यूमैक्स ऑटो ले लीजिए साहब, 148 का है, 178 का टारगेट, 132 स्टॉप लॉस रखिए। IOCL जो IOL केमिकल्स है 648 का करंट मार्केट प्राइस पर खरीदिए, 754 का टारगेट लगाइए, 594 का स्टॉप लॉस लगाइए। JV केमिकल्स 1854 2056 इसका टारगेट है और 1685 का स्टॉप लॉस लगाइए। विनाटी ऑर्गेनिक्स 1978 2238 टारगेट है इसका और 1862 आप इसका स्टॉप लॉस लगाए। अब ये तीनों मैंने रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन जो सोचा है उसने इसका दाम बढ़ा दिया है, जो इनका रॉ मटेरियल है उसका, जो 50% का इसका प्रॉफिट होगा। सो दैट इज वाई दिस कंपनीज आर गोइंग टू ग्रो दिस वीक। सो इस वीक के लिए मेरी ये हैं, बाकी आप इसलिए कंटिन्यू हैं, जिनको मैंने करेक्शन बोला उनको निकाल दीजिए, और अगर आप स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज आपको बता दूँ कि आपका पैसा है श्रीमान, एनालाइज करिए। मैं केवल ये सजेशंस आपको देता हूँ और मेरे हिसाब से आप मेरे हिसाब से सजेशंस हैं, और इसके बाद आप अपना टाइम लगाइए, देखिए इसको और बाकी सोर्सेज एनालाइज करिए, और हमेशा उतना ही पैसा लगाइए जितना आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट पुट बारोड मनी। देखिए इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रूल होता है बारोड कैपिटल मत लगाइए, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी आपको इस हफ्ते एक और चीज ध्यान रखनी है कि इस हफ्ते आपका IPO आने वाला है, कई IPO इस हफ्ते अगले हफ्ते, यानी जुलाई विल बी फुल ऑफ IPOs। तो साहब पहले तो आगे बढ़ूँ तो उससे पहले ये जो आपका चैनल है फिनवॉन्ट मंत्रा है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए साहब, बात बन जाएगी और अच्छी सी, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए, उनको शेयर करिए, उनके साथ इसको आगे बढ़ाइए। और इस हफ्ते मैं आपके लिए जितने भी शेयर्स हैं IPO आ रहे हैं सभी का एनालिसिस लाऊंगा, कल फिर एक डालूंगा। थैंक यू वेरी मच, अपना प्यार बनाए रखिए, थैंक यू।